यूपी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। करीब 2,44,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है, उनकी सैलरी नहीं आई है। चूंकि 31 अगस्त की डेडलाइन क्लियर हो चुकी है और जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया उनका वेतन रोक दिया गया है। आपको याद होगा कि 17 अगस्त को शासन आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा है वो मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो अचल संपत्ति हो चल संपत्ति हो, जिन्होंने दी है उनका वेतन आ गया है। 31% बताया जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी उन्होंने पोर्टल पर अपने संपत्ति के बारे में जानकारी दी थी, उनका वेतन आ गया है। लेकिन अभी भी 39% सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना पोर्टल पे संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा जिसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया है वो विभाग है शिक्षा विभाग, और उसके बाद नंबर आता है स्वास्थ्य विभाग का। जी हाँ, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने अपना ज्यादातर जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी अपलोड नहीं की है। इसके साथ साथ चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, सैनिक कल्याण क्षेत्र हो, टेक्सटाइल क्षेत्र हो, यहाँ से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों सबसे आगे रहे हैं पोर्टल पर अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी देने में। अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 8,00,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी यूपी के अंदर हैं और उसमें से 6,00,000 के लगभग ही कर्मचारियों ने अब तक प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया है। अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊँ तो 8,46,040 राज्य कर्मचारी हैं, इनमें से 6,02,075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इसके साथ साथ डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक पत्र संबंधित विभाग को लिखा गया है ये कहते हुए कि आप गृह विभाग से जुड़े हुए सरकार जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए, चूंकि त्यौहार का मौसम चल रहा है और अभी हाल ही में जो पुलिस भर्ती हो रही थी उसमें विभाग के संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, इसीलिए उनके पास वक्त नहीं मिला अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए, लिहाजा थोड़ा समय उनके लिए बढ़ाया जाए। अब माना जा रहा है कि इस पत्र का संज्ञान लेते हुए विभाग आगे अपना फैसला देगा। लेकिन इन सबके बीच में ये तय हो गया है कि जो कर्मचारी अधिकारी अपना प्रॉपर्टी का ब्यौरा दे चुके हैं उनकी तो सैलरी आ गई है, लेकिन 39% अभी भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी नहीं आई है। उनकी सैलरी तभी आएगी जब वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।